Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्सिमम PCR India VIX के डेटा को चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या चल रहा है इन सब डेटा के ऊपर, और ट्रेंड साइकिल भी चेक करने की कोशिश करेंगे, और वहां भी देखने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस, जो कि आज का क्लोजिंग है, देखेंगे यहाँ पे 26,798 पे 6 नवंबर की क्लोजिंग, और हम लोग 12 नवंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और देखेंगे कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे करीब 5,50,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 2,38,000 का, स्ट्राइक है 27,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे करीब 5,01,000 का ओपन इंटरेस्ट और एडिशन करीब 1,96,000 का, और इस जगह देखेंगे तो 27,500 का ओपन इंटरेस्ट इस जगह पे है। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस का सवाल है, तो ये सब रेसिस्टेंस होगा। दूसरी तरफ अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे करीब 9,89,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन देखेंगे तो करीब 6,63,000 का एडिशन यहाँ पे, स्ट्राइक देखेंगे तो है 26,000 का स्ट्राइक। यहाँ पे हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो और कहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो देखेंगे कि इस जगह करीब 6,30,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 1,72,000 का, और स्ट्राइक है 24,000 का। तो थोड़ा सा ये नीचे हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, 4,12,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 3,35,000 का है, वो स्ट्राइक है 26,500 का, देख सकते हैं आप 26,500 का। अगर हम लोग रेंज की बात करें कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की, तो वो निकल के आ रही है 26,000 से लेके 27,500 का, और बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है वो है 26,500 का। यहाँ देखेंगे करीब 4,12,000 का ओपन इंटरेस्ट इधर पुट साइड में खड़ा मिलेगा, और 3,87,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में खड़ा मिलेगा। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहा बैंक निफ्टी तो 27,000 की तरफ जाएगा और 27,500 की तरफ बढ़ेगा, इसके नीचे गया तो 26,000 की तरफ बढ़ेगा, उसके नीचे फिसलेगा। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है 26,500 का। एक चीज़ और देखने को मिली है कि सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पाइवट स्ट्राइक ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, और रेसिस्टेंस भी देखेंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये बता रहा है कि जो बैंक निफ्टी है ओवरऑल बुलिश टोन में है। अगर हम लोग कॉल और पुट राइटर्स को कंपेयर करेंगे तो थोड़े से पुट राइटर्स इधर देखेंगे भारी पड़ रहे हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले। तो यहाँ से भी ये लग रहा है कि मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश अंडरटोन में है वाई के ऊपर। तो ये वाई के ऊपर ऐसा लग रहा है कि ये बुलिश है। अगर हम नेट चेंज की बात करेंगे तो ये बताता है कि कॉल बाइंग हुई है, यहाँ पर ज़बरदस्त कॉल बाइंग हुई है। दूसरी तरफ देखिए पुट राइटिंग होते हुए दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि आज जो मार्केट था बैंक निफ्टी एक्चुअली तो वो आपका वन साइडेड मूव में था, अपसाइड के लिए चल रहा था। तो ये आज का मार्केट था जहाँ पे हम लोगों ने देखा भी कि बुल्स हावी थे, जितना भी डीप हमें मिला देखने को उसको बाई के लिए यूज किया गया, कोई भी ऐसा डीप नहीं था जिस पे कोई सेलिंग आई हो। कोई भी डीप आया तो वहाँ पे क्या हुआ, बाई के लिए देखा गया जो भी डीप था। तो ऐसा ही आगे भी हमें दिख रहा है कि कोई भी अगर डीप आता है, कोई भी अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है
और कुछ बिकवाली होती है तो खरीदारी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा, जैसा वाई के ऊपर ये दिख रहा है। दूसरी तरफ हम लोग चलेंगे निफ्टी की तरफ, बिफोर मैक्सिमम पीसीआर चेक करें उसके पहले हम लोग निफ्टी की तरफ चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या डेटा का रुझान है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे क्लोजिंग प्राइस निफ्टी की, तो वो आपको दिखेगा 12,263 पे, और 6 नवंबर की क्लोजिंग, 12 नवंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस कॉलम से गुजरेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है। तो देखेंगे कि करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस जगह खड़ा है और 6,15,000 का एडिशन देखने को मिला है, स्ट्राइक है 12,500 का, यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसके थोड़ा से ऊपर जाएंगे तो देखेंगे करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 3,73,000 का यहाँ पे, और स्ट्राइक है 12,700 का, तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। तो अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है जहाँ पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 4,51,000 का, स्ट्राइक है 12,200 का। तो ये सब रेसिस्टेंस है जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है 12,000 के स्ट्राइक पे, हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है जहाँ करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन ह्यूज अपने आप में 11,78,000 का एडिशन, स्ट्राइक 12,000 का। नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 8,38,000 का और स्ट्राइक 11,000 का। तो ये हमारे लिए एक सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा अगर बैंक निफ्टी निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो ये हाईएस्ट सपोर्ट और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट रहे। अगर हमें इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो ये हमें यहाँ देखने को मिल सकता है जहाँ पे करीब 13,96,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन देखिए कितना ह्यूज है 12,39,000 का, और स्ट्राइक है आपका 12,200। तो ये सब स्ट्राइक जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और जहाँ तक रेंज का सवाल है निफ्टी का वो दिख रहा है 12,000 से लेके 12,500 तक का, और बीच में पाइवट स्ट्राइक है 12,200 का। इसके ऊपर रहा तो हम लोग बुलिश रहेंगे 12,350 की तरफ, और 12,400 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे रहे तो 12,150, 12,100 और 12,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी का 12,200 का। तो ये एक चीज़ और देखने वाली बात है कि निफ्टी में भी जो सपोर्ट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, और रेसिस्टेंस को भी हम लोगों ने देखा है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। पहले जो रेसिस्टेंस 12,000 का था अब वो 12,500 की तरफ आ गया है, पहले जो सपोर्ट 11,800 के पे था वो 12,000 पे आ गया है। ये शिफ्टिंग हो रहा है धीरे धीरे ऊपर रेसिस्टेंस और सपोर्ट का, साथ ही साथ हम लोगों ने पाइवट स्ट्राइक को भी ऊपर शिफ्ट होते हुए देखा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग बुलिश मार्केट में हैं, हम लोग बुलिश मार्केट में हैं, ये एक इंडिकेशन है बैंक निफ्टी के लिए, या बैंक निफ्टी के लिए तो बुलिश मार्केट में है क्योंकि रेसिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है और पाइवट स्ट्राइक भी शिफ्ट हो रहा है, और आपका देखें तो रेसिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है, पाइवट स्ट्राइक भी शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये बुलिश मार्केट का एक इंडिकेशन है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नेट चेंज की बात करेंगे तो यहाँ कॉल बाई होते हुए दिखी है और यहाँ पुट राइटिंग होते हुए दिखी है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपका बुलिश था आज, और ये बुलिश टोन और ये बुलिश अंडर टोन जो निफ्टी के ऊपर है वो आगे भी रह सकता है, वैसा देखने को मिल रहा है वाई के ऊपर। और वाई के ऊपर एक और ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और कॉल इधर थोड़े से ढीले दिख रहे हैं,
हालांकि कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन कॉल राइटर्स थोड़े से ढीले दिख रहे हैं, वो भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट बुलिश रह सकता है। आप अपने वेबसाइट पर चलेंगे जहां बाकी और डेटा को चेक करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वेबसाइट पर। बिफोर बाकी और डेटा चेक करें, यहां दिखाना चाहूँगा कि कुछ कोर्सेस हैं यहां पे हमारे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब एनालिसिस के ऊपर, आपको पसंद आता है तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अब चलेंगे अपने ब्लॉग पे जहां बाकी सब हम डेटा देखेंगे। यहां देखेंगे विक्स, इंडिया विक्स का करीब 2.21% का फॉल देखने को मिला इंडिया विक्स में। अभी स्टैंड कर रहा है इंडिया विक्स 20.49 पे। ये काफ़ी अच्छा है, जितना आप फॉल देखने को मिलेगा उतना ये बुल्स को सपोर्ट करेगा। तो इसमें कूलिंग आती रहे, बुल्स ऊपर की तरफ रैली दिखाते रहेंगे, तो ये एक काफ़ी अच्छा डेटा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैक्स पेन की बात करें तो मैक्स पेन आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, 26,200 से लेके 26,400 पर शिफ्ट हुआ है, और 12,100 से 12,150 पे शिफ्ट हुआ निफ्टी का मैक्स पेन। ये भी बुलिश है। एक चीज़ जो कॉशस रहने वाली चीज़ है वो ये पीसीआर काफ़ी हाई है, दोनों का पीसीआर काफ़ी हाई है, बैंक निफ्टी और निफ्टी बता रहा है कि काफ़ी हाई है। देखिए ये वो लेवल है जो बता रहा है, किसी भी हायर लेवल पे, किसी भी हायर लेवल पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग एक हेल्थी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेयर मार्केट में आ जाएंगे, हम बुल मार्केट में, ओवरऑल हमारा ट्रेंड बुल मार्केट का है, अभी बुलिश है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल सकता है किसी भी लेवल पे। तो इस लेवल पे आपको थोड़ा कॉशस भी रहना चाहिए क्योंकि पीसीआर काफ़ी हाई है। ट्रेंड साइकिल को देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से लॉन्ग लॉन्ग का हमें साइकिल देखने को मिल रहा निफ्टी पे भी और बैंक निफ्टी पे भी, तो ये दोनों ही काफ़ी बुलिश साइकिल दिखा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 दिनों से हम बुलिश रन देख रहे हैं तो एक थोड़ा सा पॉज आए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, ये ट्रेंड साइकिल के ऊपर भी दिख रहा है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है, होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।